हेलो व्यूअर्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक टेम्परेचर एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो फर्स्ट लेट अस डिस्कस व्हाट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो द स्टेटमेंट ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट इफ टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड बॉडी, दे आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। सो जो स्टेटमेंट है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का वो ये है कि इफ टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। तो हम इसको किस तरह से समझेंगे, लेट अस डिस्कस इन दिस वे दैट इफ देयर इज अ बॉडी, वी हैव अ बॉडी ए एंड देयर इज अनदर बॉडी व्हिच हैज नेम बी and there is a third body which is body C, and let us take temperature of body A is TA, temperature is TA, and the temperature of body B is TB, and temperature of body TC is TC. इसमें देखिए, इसमें स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, two bodies are in thermal equilibrium। तो थर्मल इक्विलिब्रियम, जब हमने इक्विलिब्रियम पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि थर्मल इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है कि व्हेन देयर इज नो हीट ट्रांसफर बिटवीन द बॉडीज और द टेम्परेचर्स ऑफ द बॉडीज आर सेम, राइट। तो दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम होगा या फिर हीट ट्रांसफर की वैल्यू, जो टेम्परेचर सेम होगा तो दोनों के बीच में कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये लिखा हुआ है कि इफ द टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड बॉडी, यानी थर्ड बॉडी क्या है, लेट अस टेक सी इज अ थर्ड बॉडी। ये जो टू बॉडीज हैं, बॉडी ए एंड बॉडी बी, दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी सी। इट मींस वी कैन से स्टेटमेंट क्या है कि अगर टी ए की वैल्यू टी सी के इक्वल है, यानी बॉडी ए एंड बॉडी सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है एंड बॉडी बी एंड बॉडी सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो टी बी इज इक्वल टू टी सी है, देन टी ए विल बी इक्वल टू टी बी। दिस टी ए विल बी इक्वल टू टी बी, टी बी, okay, it is TB. So this is the zeroth law of thermodynamics. Okay, तो zeroth law of thermodynamics में हमें बताया कि अगर दो bodies एक third body के साथ thermal equilibrium में हैं, तो वो दोनों body आपस में भी thermal equilibrium में होंगी, ठीक है। तो ये statement है और ये उसका example है जो हमने नीचे discuss किया, ठीक है। It is a very simple law, you must have understood. अब इसमें ये हमें लगता है कि ये बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है, तो फिर इसको डिफाइन करने की ज़रूरत थी। तो इसको डिफाइन करने की ज़रूरत ये थी कि अभी तो हमें ऐसा लगता है कि बॉडी ए और बॉडी बी दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो ये तो हम ऐसे भी कर सकते थे कि बॉडी ए और बॉडी बी अगर कॉन्टैक्ट में हैं और उनके बीच में कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स वी कैन से देयर इज थर्मल इक्विलिब्रियम बिटवीन बॉडी ए एंड बॉडी बी, और वी कैन से टेम्परेचर ऑफ बॉडी ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बॉडी बी। लेकिन ये आप तभी कह सकते हैं ना जब दो बॉडी ए और बी दोनों कॉन्टैक्ट में हैं। अगर बॉडी ए और बी कॉन्टैक्ट में नहीं है तो फिर हमें एक थर्ड बॉडी की ज़रूरत होगी, जिससे कि हमें पता चलेगा कि बॉडी ए और बी का टेम्परेचर सेम है या दोनों के बीच में कोई हीट ट्रांसफर नहीं है, एंड दिस थर्ड बॉडी इज एक्चुअली थर्मामीटर, ठीक है। तो हमने पहले पैडी बॉडी ए को सी के कांटेक्ट में रखा, यानी थर्मामीटर के कांटेक्ट में रखा, उनके बीच में एक थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया। फिर बॉडी बी और सी को, यानी बॉडी बी और थर्मामीटर को कांटेक्ट में रखा, तो उनके बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया। तो उसके बाद हमें ये पता चला कि बॉडी ए और बॉडी बी भी जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है इस लॉ की वजह से। यही लिखा हुआ है, बाय रिप्लेसिंग द थर्ड बॉडी विद द थर्मामीटर द जीरोथ लॉ कैन बी रीस्टेटेड एज टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ बोथ हैव द सेम टेम्परेचर रीडिंग इवन इफ दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, दिस वॉज अबाउट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसका मतलब ये कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो टेम्परेचर या थर्मल इक्विलिब्रियम से डील करता है, दैट इज रिलेटेड विद थर्मल इक्विलिब्रियम और टेम्परेचर, टेम्परेचर और टेम्परेचर मेजरमेंट।
अब देखिए टेम्परेचर को हमने इसके लिए अब हमें कोई स्केल चाहिए, जैसे हमें पता चला कि टेम्परेचर एक प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी है तो उसकी कोई वैल्यू होगी, तो एक पर्टिकुलर बॉडी का कितना टेम्परेचर है, ठीक है। जैसे हमने लेट अस टेक इन दिस वे कि ये एक बॉडी है, अब इसकी जो ये प्रॉपर्टी है जिसे हम टेम्परेचर बोल रहे हैं, उसके लिए हमें कोई स्केल चाहिए ताकि हम उसकी वैल्यू डिफाइन कर सकें, ठीक है। तो ये जो स्केल है ये क्या हो सकते हैं, मतलब कैसे डिफाइन किए हुए। तो पहले हम पढ़ते हैं इसमें, ये पूरा थियोरेटिकल है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ऑल टेम्परेचर स्केल्स आर बेस्ड ऑन सम इजीली रिप्रोड्यूसेबल स्टेट्स सच एज द फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर विच आर ऑल्सो कॉल्ड आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट रेस्पेक्टिवली। यानी जो भी टेम्परेचर स्केल्स बनाए वो दो इजीली रिप्रोड्यूसेबल पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में बनाए, उनमें से एक पॉइंट को हमने नाम दिया आइस पॉइंट एंड अनदर पॉइंट वॉज स्टीम पॉइंट, ठीक है। ये दो पॉइंट है, ठीक है। अभी हमने ये नहीं बताया कि आइस पॉइंट पर टेम्परेचर की वैल्यू कितना है और स्टीम पॉइंट पर टेम्परेचर की वैल्यू कितना है, अभी तो हमने सिर्फ ये कहा है कि दो पॉइंट्स हैं जिनके रिस्पेक्ट में हम टेम्परेचर्स की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें से आइस पॉइंट, एक पॉइंट को नाम दिया आइस पॉइंट, दूसरे को स्टीम पॉइंट। अब ये स्टीम पॉइंट क्या है, स्टीम पॉइंट अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर दैट इज इन इक्विलिब्रियम विद एयर सेचुरेटेड विद वेपर एट वन एटमोसफेयर प्रेशर इज सेड टू बी एट द आइस पॉइंट। तो यानी आइस एंड वाटर का मिक्सचर दैट इज इन इक्विलिब्रियम विद एयर सेचुरेटेड विद वेपर एट वन एटमोसफेरिक प्रेशर, यानी आइस और वाटर का मिक्सचर है वो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम में है विद एयर सेचुरेटेड विद वेपर एट वन एटमोसफेयर प्रेशर, ठीक है। तो ये एयर सेचुरेटेड, सेचुरेटेड एयर का क्या मीनिंग है ये आप पढ़ेंगे जब आप साइक्रोमेट्री पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, तो फिलहाल मैं आपको सिर्फ इतना यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि आइस पॉइंट क्या है, वो आइस और वाटर का एक मिक्सचर है दैट इज एट वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी उस समय प्रेशर की जो वैल्यू है वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। तो उस समय पर जो आइस वाटर का जो टेम्परेचर है उसको हमने, या उसको हमने नाम दे दिया आइस पॉइंट, ठीक है। इसी तरह से स्टीम पॉइंट अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड वाटर एंड वाटर वेपर, लिक्विड वाटर एंड वाटर वेपर इन दोनों का मिक्सचर विद नो एयर इन इक्विलिब्रियम एट वन एटमॉस्फेयर प्रेशर, ये इक्विलिब्रियम में है एट वन एटमॉस्फेयर प्रेशर इज सेट टू बी द स्टीम पॉइंट। यानी हम इन दोनों को अगर ऐसे समझें एक साथ तो ऐसे समझ सकते हैं कि वन एटमॉस्फेयर प्रेशर पर जो आइस और वाटर का मिक्सचर है, ठीक है, विद दिस कंडीशन, ये जो लिखा हुआ है ये मैंने आपको बताया कि आपको डिटेल में समझ में आएगी जब आप साइक्रोमेट्री पढ़ेंगे, तो अभी आप इसको ऐसे समझ लीजिए एयर सेचुरेटेड, तो वन एटमोसफियर प्रेशर पर जो आइस और वाटर का मिक्सचर है जो कि इक्विलिब्रियम में है उसको तो हमने नेम दे दिया आइस पॉइंट, और जो वाटर वेपर और लिक्विड वाटर का जो मिक्सचर है उसको हमने नाम दिया स्टीम पॉइंट, दोनों वन एटमोसफियर प्रेशर पर है, ठीक है। ये नाम दिए हैं अभी आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट, हमने ऐसा नहीं कहा कि इनकी वैल्यू क्या है, ठीक है। तो अलग अलग स्केल्स पर ये वैल्यू अलग अलग इन पॉइंट्स की हो सकती है, ठीक है, होंगी इनफैक्ट। तो अब देखिए इन एसआई सिस्टम वी यूज सेल्सियस स्केल, ठीक है, सेल्सियस स्केल इज यूज इन एसआई सिस्टम एंड इन इंग्लिश सिस्टम वी यूज फ़ारेनहाइट स्केल। आपने नाम सुने हुए होंगे टेम्परेचर स्केल्स के, सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल। तो अब ये जो हमने पॉइंट्स डिफाइन किए आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट, ऑन द सेल्सियस स्केल द आइस एंड स्टीम पॉइंट्स वर ओरिजिनली असाइंड द वैल्यू 0 एंड 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यानी सेल्सियस स्केल पर ये जो पॉइंट थे आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट, इनको वैल्यूज असाइन की गई
0 एंड 100 डिग्री सेल्सियस, 0 फॉर आइस पॉइंट एंड 100 डिग्री सेल्सियस फॉर स्टीम पॉइंट। द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑन द फेरनहाइट स्केल आर 32 एंड 212 डिग्री फेरनहाइट। इन्हीं पॉइंट्स को दूसरे स्केल पर विच इज यूज इन एनी सिस्टम दैट इज फेरनहाइट स्केल, उस पर जो वैल्यू साइन की गई दैट वर 32 एंड 212 डिग्री फेरनहाइट, यानी पॉइंट वही है स्टीम पॉइंट आइस पॉइंट, और उनको डिफरेंट स्केल्स पर सेल्सियस स्केल पर 0 और 100 वैल्यू साइन की गई और फ़ारेनहाइट स्केल पर 32 एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट वैल्यू असाइन की गई। ठीक, समझ में आ गया होगा। इन थर्मोडायनेमिक्स इट इज वेरी डिजायरेबल टू हैव अ टेम्परेचर स्केल दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सब्सटेंस। सच अ टेम्परेचर स्केल इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल विच इज डेवलप्ड लेटर इन कंजंक्शन विद सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये जो टेम्परेचर स्केल्स बने ये वाटर की प्रॉपर्टीज के रेस्पेक्ट में थे, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में ऐसा हमेशा से समझा गया कि जो थर्मोडा जो जो भी टेम्परेचर स्केल होना चाहिए वो इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑफ एनी सब्सटेंस होना चाहिए। तो वो एक थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल डेवलप हुआ एंड दैट वाज इन कंजंक्शन विद सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल इन द एसआई सिस्टम इज द केल्विन स्केल। ठीक है, ये जो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल जिसकी हमने बात की है विच वॉज डेवलप्ड इन कंजंक्शन विद सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल का मीनिंग ये है कि उसमें टेम्परेचर की वैल्यू जीरो, मिनिमम वैल्यू 0 डिग्री होगी, 0 होगी, 0 डिग्री, 0 होगी। ठीक है, तो इन एसआई सिस्टम द एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल इज केल्विन स्केल, ये केल्विन स्केल है। ठीक है, ये केल्विन स्केल, तो केल्विन स्केल इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल इन एसआई सिस्टम। सिमिलरली रैंकिन स्केल इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल इन इंग्लिश सिस्टम, और जो फ़ारेनहाइट स्केल था उसके लिए जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल है दैट इज रैंकिन स्केल। केल्विन एंड रैंकिन एब्सोल्यूट स्केल, इसका इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं क्या है। थर्मोडायनेमिकली देर इज अ कंडीशन ऑफ नो मॉलिकुलर एक्टिविटी एंड हैंस नो हीट कंटेंट इन द बॉडी। द टेम्परेचर एट दिस कंडीशन इज द लोएस्ट टेम्परेचर एंड इज रेफर्ड टू एज एब्सोल्यूट जीरो। ऑन केल्विन एंड रैंकिन स्केल्स द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज हाइपोथेटिकली प्लेस्ड एट -273.15 डिग्री सेल्सियस एंड 459.67 डिग्री इट इज फ़ारेनहाइट, नॉट सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। ओके, तो ये जो जीरो हमने एब्सोल्यूट जीरो वैल्यू जिसको बोला है वो वैल्यू वो पॉइंट कौन सा पॉइंट है इसको समझिए क्या है इसका मीनिंग, यानी एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट कौन सा है। व्हेन देयर इज अ कंडीशन ऑफ नो मॉलिक्यूलर एक्टिविटी, जिसमें कोई भी कोई मॉलिक्यूलर एक्टिविटी नहीं है, एंड हेंस नो हीट कंटेंट इन द बॉडी, और बॉडी में कोई हीट कंटेंट नहीं है, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज एब्सोल्यूट जीरो। और केल्विन पॉइंट पर केल्विन स्केल में इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 केल्विन होगी। ठीक है, और क्योंकि ये एसआई सिस्टम में यूज होता है तो इसी पॉइंट की वैल्यू सेल्सियस स्केल में -273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसी तरह से ये एब्सोल्यूट जीरो जो पॉइंट है, फिर मैं बता रहा हूँ कौन सा पॉइंट है जिसमें कोई मॉलिक्यूलर एक्टिविटी नहीं है, और वी कैन से देयर इज नो हीट कंटेंट इन द बॉडी, उस पॉइंट को दैट इज एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट, उसकी वैल्यू रैंकिन स्केल में क्या होगी, 0 0 R होगी। ठीक है ना, रैंकिन स्केल में जो हम वैल्यू लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, 0 R, जैसे 0 K लिखते हैं, अगर हमें 0 केल्विन लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 0 केल्विन ऐसे। ठीक है ना, ये ओके नहीं लिखा, 0 केल्विन लिखा है। ठीक है, ऐसे 0 रैंकिन लिखा हुआ तो 0 R ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इसके ऊपर डिग्री नहीं लगाते हैं, है ना, ऐसा नहीं लिखते 0 डिग्री केल्विन, 0 डिग्री R, ऐसे तो नहीं लिखते हैं, दैट इज 0 केल्विन एंड 0 रैंकिन। तो ये पॉइंट
की वैल्यू, इस पॉइंट की वैल्यू रेंगिन स्केल में क्या होगी, 0 रेंगिन, और फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगी इसकी वैल्यू, 459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये असाइंड वैल्यूज है, ठीक। तो ये हमारे जीरो स्लो ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और टेम्परेचर स्केल हो गया, ठीक है। तो जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा जीरो स्लो ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जीरो स्लो ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था कि इफ टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड बॉडी, दे आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। और ये थर्ड बॉडी क्या है, ये थर्ड बॉडी हमारा थर्मामीटर, ठीक। उसके बाद हमने टेम्परेचर स्केल्स के बारे में पढ़ा। तो हमने कहा कि टेम्परेचर स्केल्स के लिए स्केल अगर आपको फॉर्मेशन करनी है, स्केल फॉर्मेशन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमने दो पॉइंट डिफाइन किए, आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट। आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट की ये डेफिनेशन हमने पढ़ी, ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद इस आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट को हमने सेल्सियस स्केल में वैल्यू असाइन की, आइस पॉइंट को 0 डिग्री सेल्सियस और स्टीम पॉइंट को 100 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट स्केल में जो कि इम्यून सिस्टम में यूज होता है उसमें हमने इनको वैल्यूज असाइन की, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टू द आइस पॉइंट एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट टू द स्टीम पॉइंट, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि थर्मोडायनेमिक्स में इट वाज ऑलवेज डिजायर टू हैव अ टेम्परेचर स्केल विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सब्सटेंस। तो वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल है, एसआई सिस्टम में जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल है दैट इज केल्विन स्केल, और इंग्लिश सिस्टम में जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल है दैट इज रैंकिन स्केल, ठीक है। और इनको जो वैल्यूज असाइन की गई जो एब्सोल्यूट जीरो है, ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो को पहले हमने डिफाइन किया। एब्सोल्यूट जीरो क्या है, व्हेन देयर इज नो मॉलिक्यूलर एक्टिविटी एंड हेंस नो हीट कंटेंट इन द बॉडी। इस पर्टिकुलर पॉइंट को जो एब्सोल्यूट स्केल में वैल्यू डिफाइन की गई वो क्या है, 0K and 0R। और ये इसी इन्हीं दोनों पॉइंट को जो सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल में वैल्यू असाइन की गई है, दे आर -273.15 डिग्री सेल्सियस एंड 459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो इतना हमने इसके बारे में पढ़ लिया। थैंक यू।